नाम विच बोलो परमेश्वर ये तेरा जीवित कलाम आ जो कुछ ये लिखा मेरे लिए लिखा मेरे ते विश्वास करदा हाँ और मैं जानदा हाँ मेरे जीवन च ये पूरा होन जा रहा यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हाँ। बाइबल लिखा पत्रस दूसरे पत्रस बारह एक दी बारह इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो तो भी मैं इन बातों की शुद्धि दिलाने के लिए सदा तैयार हूँ। परमेश्वर का दास पत्रस कहिंदा जेड़ा वचन तुहानू अज तुसी चर्च आए हैं दिता गया जे तुसी उहदे विच बने रहने हो ते ओ वचन तुहाडी जिंदगी च कम करदा जिन्हें वचन परमेश्वर ने अज तुहाडे लई मैनू दिते जिन्हां ते तुसी आमीन किया जे तुसी उहदे ते विश्वास रखोगे और निराशा विच भी आशा रखोगे कि नहीं मैं चर्च जा के आया मेरे हालात जो मर्जी होण मैं जानता हाँ मेरा परमेश्वर जीवित आ मेरिया जरूरतों पूरी करन दी सामर्थ रखता मेरे बच्चों का रक्षा करन दी सामर्थ रखता मेरे फ्यूचर नू अच्छा करन दी सामर्थ रखता मेरे बिजनेस नू अगे ले जान दी सामर्थ रखता आ मेरे हालातों नू बदलन दी सामर्थ रखता आ। मैं विश्वास करदा क्योंकि मैं चर्च विच परमेश्वर के दास द्वारा वचना नू मैं सुन के आया वो वचन मेरे विच मेरी जिंदगी च पूरे होणगे। जे तुहाडा घर जाके भी अगले एतवार तक यही अंगीकार होया तुहाडियां लड़ाइयां नू तुहाडा परमेश्वर लड़ेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या तुहाडा परमेश्वर लड़ेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। यशायाह दी पुस्तक ते लिखिया किताब ते लिखिया कहिंदा तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी के शोर से बुलाकर ये कहा तू मेरा दास है मैंने तुझे चुना और तजा नहीं मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म्या हाथ के से मैं तुझे संभाले रखूँगा। देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर रहूँगा मत डर मैं तेरी सहायता करूँगा। सब बोलो आमीन। परमेश्वर कहिंदा जदों मैं तुहानू चुनिया आ मैं तुहानू चुनिया आ मैं अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह तुहाडे लई दित्ता आ उहने तुहाडे लई खून बहाया आ और तुसीं खून दे के खरीदे गए आ तुसीं आमनी यीशु मसीह दे लहू द्वारा खरीदे गए आ। दो तरह की जिंदगी आ जां तो तुसीं परमेश्वर दे वचन ते विश्वास रख के जीनी शुरू कर दो जां अपने हालातों ते विश्वास रख के जीनी शुरू कर दो। जे तुसीं हालातों नू पासे सिट के परमेश्वर दे वचन ते विश्वास रख के जीनी शुरू करोगे तो ताड़ा परमेश्वर यहोवा ताड़ी सहायता ली 24 घंटे खड़ा है ताड़ी वड़ो लड़ेगा तुसी जितते जाओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या तुसी अपने हालातों ते जितते जाओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। बाइबल च लिखा जो तेरे नाल युद्ध करदे आ मैं तुहानूं पहलां कहा साडा युद्ध लहू मास दा नहीं आ नौं दा सस नाल नहीं आ सस दा नौं नाल नहीं आ पुत दा पुत्र नाल नहीं आ ताड़ा भरा भरा दी लड़ाई नहीं आ ताड़ी किसे किसे कौम दे नाल लड़ाई नहीं आ ताड़ी और मेरी लड़ाई किदे नाल आ शैतान दे नाल आ और परमेश्वर कहिंदा मैं उन्हां नाल लड़ूंगा कहिंदा मैं तेरी सहायता दी और खड़ा जेड़े तेरे नाल युद्ध करदे आ कहिंदा उन्हां नूं मैं नष्ट करूंगा और कहिंदा तुसी लभोगे कि शैतानी चीज़ां कित्थे गईआं लभण ते भी तुहानूं नज़र नहीं आउणगीआं यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं कह लभण ते भी जादू टूना नज़र नहीं आएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं कह ताड़ियां बीमारियां लभण ते भी तुहानूं नज़र नहीं आउणगीआं यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। ताड़ी गरीबी लभण ते भी तुहानूं नज़र नहीं आएगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। ताड़े घर दा कलेश तुहानूं लभण ते भी नज़र नहीं आएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। क्योंकि बाइबल च लिखिया परमेश्वर ने जद आदम नूं बनाया उहनूं परफेक्ट बनाया सी
जो आदम नू बनाया आदम दे नाल उन्हें गरीबी नहीं बनाई, आदम दे नाल उन्हें बीमारी नहीं बनाई, आदम दे नाल उन्हें कलेश नहीं बनाया, आदम दे नाल उन्हें बीमारियां नहीं बनाइया, कटी नहीं बनाई, आदम नू परफेक्ट बनाया सी। पर आदम ने पाप किया, सारिया चीज़ा जड़िया आदम दे जीवन में नहीं चाहिए सी, गरीबी बीमारी कलेश संघर्ष सब कुछ आ गया वो पाप करके। और ताडे लिए खुशखबरी आडे पापा की माफ़ी प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस उपर अपनी जान दे के अपने लहू दे नाल तुहानू खरीद के ताडे पाप माफ़ कर दिते ने यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। जे ताडे जीवन च पाप हुण है नहीं आ, तुसी यीशु मसीह दे लहू द्वारा खरीदे गए आ, जे पाप नहीं आ तो ताडे जीवन च यह प्रॉब्लम नहीं होनिया चाहीदियां। यह प्रॉब्लम जड़िया पाप दे करके आईया ये नहीं होनिया चाहीदियां। मसीह हुंदे होए भी क्यों प्रॉब्लम, क्योंकि जिदा परमेशर चाहुंदा कि तुसी उहदे वचन ते चलो उहदी हजूरी च चलो तुसी उदा नहीं जांदे पे। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने ताडे और मेरे पापा नू जो तुसी आखरी साह तक भी करने आ ताडे पाप और मेरे पाप माफ हो चुके ने, ऑलरेडी माफ हो चुके ने, ऑलरेडी कलवरी क्रूस उते माफ हो चुके हैं। सही जगह संगति ना करन कारण ताडे जीवन च वो आराम है नहीं जिहड़ा यीशु मसीह तुहानू देन लई आए। जब तुसी सही जगह ते संगति कर रहे हैं, रेगुलर आ रही हैं आ रहे हैं और परमेश्वर दे वचन ते विश्वास रख रहे हैं, जिन्ने भी ताडे विरोध च खड़े ने सब मिटाए जाणगे, कदी नज़र भी नहीं आउणगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। चाहे शैतान ने ताडे विरोध च ताडे जीवन च इदां दे अटैक किए, ताडे फाइनेंस ते तुसी गरीब हो गए, तुसी बीमार हो गए, ताडे घरां च झगड़े शुरू हो गए, ये सारे शैतान दे अटैक आ। पर अज मैं तुहानू एक ही गल कहना आ, परमेश्वर कहिंदा मत डर, मैं तेरी और खड़ा हाँ। जो तुसी डरोंगे नहीं खड़े रहोंगे, परमेश्वर दे वचन ते विश्वास रखोगे। मैं क्या अज तो ताडियां लड़ाइयां शैतान दे नाल ताडा परमेश्वर लड़ेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या उन्हां चीज़ां नू तुसी लभोंगे पर दिखणगियां नहीं यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। परमेश्वर तुहानू सबूत दे रहा गिल्टियां गैब करके, जो गिल्टी गैब हो जाती लभदी नहीं। कहिंदा इसे तरह कहिंदा मत डर, मैं तेरी और हाँ, मेरे ते विश्वास रख। कहिंदा जिहड़े ते नाल लड़दे आ कहिंदा इदां उड़ाए जाणगे, कदी दिखाई भी नहीं देणगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। इसे करके दूजा पत्रस विच कहिंदा कहिंदा दृढ़ रह, कहिंदा इसलिए जद भी ये बातें जानते हो सत्या का वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो। कहिंदा जो तुहानू सच्चाई का वचन मिल गया तो जो तुसी उहदे विच बने रहोगे, एक टाइम होएगा ताडे जीवन च तुहानू थोड़ियां मुसीबतां का सामना करना पै सकदा, पर एक टाइम आएगा जब ताडा परमेश्वर सारे संघर्ष तो तुहानू बाहर कढेगा और तुसी डबल ब्लैस होंगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। बाइबल लिखिया परमेश्वर का दास अयूब उहदे जीवन च प्रॉब्लम आ गई, उहदे जीवन च परीक्षा आ गई, जदों परमेश्वर के वचन ते भरोसा रख के बिना डरिया खड़िया रहा और वह जानता सी कि ये परीक्षा जिहड़ी परमेश्वर वालों आई आ मैनू हुण इहदे विच डरना नहीं बल्कि मैनू इहदे विच खड़े रहना वा और परमेश्वर ते विश्वास रखना, क्योंकि वह जानता सी कि मेरी संगति सही आ, मेरे जीवन में इदां दा कोई पाप नहीं आ कि परमेश्वर मैनू दोषी ठहराए, मैं माफ़ हो चुका हाँ। यह सारिया गल्लां जानता सी, उन्हें परमेश्वर ते विश्वास नहीं छड्या और लगातार बनिया रहा। जद उहदी परीक्षा खत्म हुई मैं क्या फिर वह डबल ब्लैस होया यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। तुहानू एक लड़ाई लड़नी पैंदी आ अपने जीवन च, उस लड़ाई विच तुहानू खड़े रहना पएगा परमेश्वर ते भरोसा रख के। एक समा आएगा तुहानू लगेगा
कि परमेश्वर मेरी जिंदगी च नहीं कम कर रहा। पर उस टाइम भी जे तुसी परमेश्वर दे वचन ते भरोसा रखोगे कि मैं अज चर्च गया, चर्च तो मैं वचन सुनिया, उस वचन नू याद रखोगे जिहड़ा तुहानू दिता गया, उहनू बार बार बोली जाऊंगे अपने पूरा हफ्ता, वह वचन तुहाडे जीवन च जीवित हो जाएगा। जो वचन जीवित हो जाएगा उहदी पावर वचन दी तुहाडे जीवन च कम करेगी, और जिहड़ी समस्या ना तुसी इस जगह ते आए हो उस समस्या सदा लई तुहाडी जिंदगी चो खत्म होएगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। लोग चर्च आंदे आ पर सत्या दे वचन नू ग्रहण नहीं करदे, प्रचार उहनां नू पुछ लो भुल गया हुंदा किहड़ा वचन, भुल गया हुंदा हर वचन जिहदे ते तुसी आमीन कहिंदे आ, तुहानू याद रहना चाहीदा, और पूरा हफ्ता उस वचन नू बोली जाओ पूरा। हर एक ऐतवार नवा वचन हुंदा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानदा तुहानू पूरा हफ्ता केड़ियां गल्लां दा सामना करना पैणा। परमेश्वर अडवांस विच अपना वचन भेजदा तुहाडे लई, परमेश्वर नू पता आ कि पूरा हफ्ता कुछ चीज़ां इदां दीआं आउणगीआं कि तुहानू डर दा सामना करना पएगा। उदों तुसीं याद करना मैं डरूंगा नहीं क्योंकि परमेश्वर मेरी औल आ, मेरी सहायता करन वाला परमेश्वर आ। शैतान तुहानू डराएगा तुहाडे हालातां नाल, तुहाडे अगे हालात पैदा करके। जे तुसी डर गए उस वचन नू ना बोलिया, तुहाडे कोल दो तरीके आ, जां तां परमेश्वर दे वचन ते विश्वास कर लो जां हालातां ते विश्वास कर लो। जे तुसी परमेश्वर दे वचन ते विश्वास करूंगे, हालातां ते विश्वास नहीं करूंगे, हालातां नू इग्नोर करूंगे, परमेश्वर दा वचन तुहाडे जीवन च जीवित होएगा और काम करेगा, फिर तुसी गवाहियां दे नाल वापस आओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। शैतान उस चीज ते अटैक करेगा जिदे नाल तुसी वधना आ। जे तुसी पैसे च वधना तुहानू परमेश्वर चाहुंदा, तुहाडे पैसे ते अटैक होगा। जे ताड़ी प्रेयर लाइफ वधनी आ, ताड़ी प्रेयर ते अटैक होगा। जे ताड़े बच्चे कामयाब होने आ, ताड़े बच्चियां ते अटैक होगा। जे ताड़े घर विच बहुत सारिया खुशियां आनियां, ताड़ी खुशी ते अटैक होगा। उसे चीज ते शैतान अटैक करेगा जिदे विच तुसी वधना आ। जदों तुसी जे ताड़े पैसे ते अटैक कीता, शैतानू पता इन्हां पैसे च वधना आ, उस टाइम तुसी परमेश्वर दा वचन ते खड़े रहोगे कि यहोवा मेरा जाली आ, मैनू कोई घटी नहीं होएगी। ये नहीं देखूंगे कि हो की रहा, ये देखूंगे कि परमेश्वर दा वचन की कह रहा। और एक टाइम आएगा जदों सारे अटैक शैतान कर चुकेगा, वह हार जाएगा, और एक टाइम आएगा जब तुसी जयवंत होंगे। जिस चीज़ ते शैतान ने अटैक किया उही चीज़ विच तुसी सामर्थी होंगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। जे अटैक तुहाडे बिजनेस से हो रहा, इहदा मतलब परमेश्वर तुहाडे बिजनेस नूं वधाउण वाला। उस टाइम घबराइयो ना, परमेश्वर ते भरोसा रखियो। जे अटैक तुहाडे बच्चियां ते हो रहा, इहदा मतलब तुहाडे बच्चियां दी तरक्की होण वाली आ। जे अटैक तुहाडे घर की शांति ते हो रहा, इहदा मतलब तुहाडे घर विच आनंद आने वाला। जे अटैक तुहाडी जॉब ते हो रहा, इहदा मतलब तुसी अगे जाण वाले हो। और जदों तुसी उस अटैक विच शैतान दे खड़े रहोगे, प्रार्थना विच, परमेश्वर दे वचन च, पवित्रता विच, इधरों उधरों हल नहीं लभोंगे। बाइबल च लिखा इधर उधर मत ताक। जो तुसी इधर उधर नहीं देखोगे, सीधा परमेश्वर के वचन च देखोगे। समस्या आ गई, फटाफट किसी होर नू फोन ला लेना मेरी जीवन च, नो, अंदर जाइयो कमरे च, घुटने टेकियो, कहियो परमेश्वर तेरे वचन च लिखे ये लिखिया। जो लगातार घुटनिया ते रहोगे, अपने परमेश्वर नू पकारोंगे, जो बाहर आओगे समस्या खत्म होएगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मसीह लोगों को समझ नहीं आ रही कि असी अगे किदां जा सकते हैं, घबरा जाते हैं।
हर उस चीज ते शैतान तुहाडे जीवन च अटैक करेगा जिहड़ी तुहाडी तरक्की दा कारण है। जे तुहाडा बिजनेस विच तरक्की होनी शैतान उहदे ते अटैक करूगा, जे तुहाडी प्रेयर लाइफ ते तरक्की होनी तुहाडी प्रेयर ते अटैक करूगा। सब तो ज़्यादा अटैक मेरी प्रेयर लाइफ ते होया क्योंकि शैतान नू पता सी जे प्रेयर विच इहनू मैं डिस्टर्ब कर दूँ ये नाश हो जू। मैं लगातार कई साल एहो जी बीमारी का अटैक मेरे जीवन ते होया, मेरा मूँह नहीं खुलदा हुंदा सी। मैं प्रेयर च बहना चुप चाप बैठे रहना चुप, मूँह तक नहीं खुलदा सी, लत्तां सौ जानियां बाहां सौ जानियां उठिया ना जाना, मैं चुप चाप 3 साल मैं चर्च च गया आराधना नहीं की, आराधना नहीं हुई, मूँह ही नहीं खुलदा हुंदा सी। मैनू नहीं सी पता कि मैं एक वड्डे चर्च का पास्टर बनना, पर शैतान नू स्मैल आ चुकी सी। अज रिजल्ट तुहाडे सामने आ यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं तुहानू दस रहा कि जिस चीज़ विच तुसी वधना उस चीज़ ते अटैक शैतान ने करना, तुसी उहदे च बने रहियो। जे तुसी चर्च आ रहे हैं शैतान तुहाडे ते अटैक करूगा, तुहाडे लई प्रोफेसी की कि तुसी अमीर होवोगे, शैतान तुहाडी अमीरी नू रोकेगा, तुहाडे पैसे ते अटैक करूगा। कुड़कड़ाइयो ना, घुटनियां ते जाके परमेश्वर का धन्यवाद करियो। एक टाइम आएगा ओही चीज़ विच तुसी इन्ने स्ट्रोंग होवोगे कि लोग देखणगे हैरान होणगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। जद मैं तौबा की बपतिस्मा लिया, मेरी पलाई रोड ते लैब सी, 5 मुंडे मेरे को काम करदे सी, 5 मुंडे। जद बपतिस्मा लिया सारा ही काम उड गया और 90,000 रुपया मैं बाहर जाने लई एजेंट को लाया, वह भी लै गया। मैं करजाई हो गया, काम कर भी गया। मेरे को इक्को काम सी, बाइबल प्रार्थना, बाइबल प्रार्थना। लोगों ने सलाह दी तू होर के शहर जाके काम कर ला, इतने आऊँगा इतने आऊँगा इदा कई कुछ, पर मैनू इक्को ही काम सी, बाइबल प्रार्थना, बाइबल प्रार्थना, बाइबल प्रार्थना रोजा। बस उस चीज़ में मैं बनया रहा और परमेश्वर ने मैनू उस काम च स्ट्रोंग किया, उस काम च स्ट्रोंग किया। अज मैं तुहानू उही गल कहना आ, परमेश्वर ते भरोसा रखो, शैतान तो डरो ना, उहदे अटैक तो डरो ना। जिस चीज़ विच तुसी वधना आ उस चीज़ उहने अटैक करना, और अज तुसी गल समझ चुके आ, और जद खड़े रहोगे परमेश्वर ते भरोसा रख के, एक टाइम आएगा मैं क्या दुनिया तुहाडी गवाही देगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। बार सानू आ टेंट लाउंदिया 8 महीने होए, कई स्टेटा इस चर्च नू जानदिया, लगभग पूरी दुनिया इस चर्च नू जानदी, लगभग पूरे वर्ल्ड विच नू पता लग गया। पता क्यों? इस चर्च ते इन्ने शैतान ने अटैक किते। जद शैतान ने अटैक करना, मैं सोचना मैं कर की सकदा, जद कलीसिया ते अटैक होना मैं मुंडिया नू कहना टेंट खरीद के लियाओ, विश्वास ना टेंट खरीद के लियाओ, समान खरीद के लियाओ। शैतान नू जवाब देन दा इको तरीका जो ताड़े को हैगा ओनू लै के परमेश्वर दे वचन च बने रहो। जदों तुसी परमेश्वर दे वचन च बने रहोगे, जेड़ा अटैक तुहानू गराउन लई आया ओही अटैक तुहानू उच्चा करेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। किन्ने जणे नू गल समझ आ रही? अज तो निराशा च जाऊंगे, निराशा आए भी फिर भी आशा रखियो। बोलो मैं निराशा आएगी फिर भी आशा रखूंगा, बार बार कहो। यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां, जद भी अटैक होए खुश होइयो, वो तुहानू गराउन लई नहीं आ, तुहानू नीवियां करन लई नहीं आ, बल्कि तुहानू डबल ब्लैस करन लई आ यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या तुसी डबल ब्लैस होवोगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। तुहानू समझना पएगा
कि असी शैतान ते जयवंत किदां हो सकते हैं। जयवंत होण दा इको तरीका आ, परमेश्वर दा वचन, उस वचन नू पकड़ के रखियो। मुसीबतां आ सकदियां ने, प्रॉब्लमां आ सकदियां ने, पर वह प्रॉब्लमां तुहाडे तुहाडे नुकसान लई नहीं आ, तुहाडे फायदे लई आ। बाइबल च लिखिया यकूब दी पत्री च, जद तुहाडी परीक्षा होए तद आनंद करियो, तद आनंद करियो। तुहाडे जीवन च खुशी होनी चाहिए। साढ़े चर्च के खिलाफ कंप्लेंटा लोग दे रहे, मैं इको गल कह रहा, मैं कह नो प्रॉब्लम, साडा फायदा हो रहा। कल एक एस पी के खिलाफ किसी ने कंप्लेंट पाई, जबकि पूरी झूठी, पूरी झूठी। इन्हें को आ है नहीं, आ है नहीं। और मैं अपने नाल दे मुंडियां नूं कहा, मैं कहा नो प्रॉब्लम, ये साडे घाटे लिए नहीं आ, ये साडे वादे लिए आ, क्योंकि असी वधन जा रहे हैं यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। जब तुसी प्रभु विच आ गए आ, उहदे ते विश्वास रखो। जे अटैक आया तो तुहानूं घटाउण लई नहीं आ, बल्कि वधाउण लई आ। इसे करके परमेश्वर दा दास कहिंदा, कहिंदा जे सत्या दा वचन तुहाडे को आ गया तो फिर घबराओ ना, क्योंकि परमेश्वर ने तुहानूं चुन लिया आ, वख वख जगह तो, तुसी वख वख जगह तो आए आ। वो कहिंदा मत डर, इधर उधर ना तक हुण जे प्रॉब्लम आ गई आ, कहिंदा मेरे वल तक, मैं जीवत जिंदा यहोवा परमेश्वर आ, मैं तेरे दनी ओर खड़ा वा, मैं तेरा सज्जा हाथ थाम के खड़ा वा। जो तू मेरी वल तकेगा, मैं तेरे वालों लड़ूंगा, जो तेरे नाल लड़दे आ वो कदी दिखणगे वी नहीं, यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या कहिंदा मिटाए जाणगे, कदी दिखणगे नहीं, यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। जिहड़ियां समस्या तुहानूं ग्राउंड लई आईआं, एक दिन तुहानूं दिखणगीआं नहीं, यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। जिहड़ा कलेश तुहाडे घर च तुहानूं ग्राउंड लई आया, कदी दिखेगा नहीं, यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। जिहड़ी गरीबी तुहाडी बेइज्जती लई आई, कदी दिखेगी नहीं, यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। क्योंकि तुहाडा बाप यहोवा परमेश्वर कह रहा, कहिंदा इधर उधर ना तक, मैं तैनूं बुलाया, मैनूं जानदा, मैं जानदा तेरी समस्या नूं, मैं जानदा तेरी गरीबी नूं, मैं जानदा तेरी अमीरी नूं, मैं जानदा तेरे कलेश नूं, मैं जानदा तेरे बिजनेस नूं। कहिंदा सिर मेरी ओ तक, मेरी हजूरी च रह, मेरे वचन ते बणिया रह, मैं तेरी ओ लड़ूंगा, और मैं तैनूं बुलाया, मैं तैनूं उच्चा वी करूंगा, यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। कहिंदा ए मेरी गवाही ली, मैं तैनूं उच्चा करूंगा, यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। बहुत सारियां गल्लां तुहाडे जीवन च जिहड़ियां हुंदियां, परमेश्वर खुद लैके आउंदा। बाइबल च लिखिया इजराइलियां, इजराइली गुलाम सीगे, परमेश्वर ने खुद गुलाम कीता, फिरौन नूं खुद कठोर कीता, क्योंकि परमेश्वर चाहुंदा सीगा जद इजराइली गुलाम होण तां मैं फिरौन नूं अपनी सामर्थ दिखावां। क्योंकि उस टाइम ते फिरौन एक आशीषित देश दा जिहड़ा राजा सीगा, वह कहिंदा सी मैं ही परमेश्वर हाँ धरती दा। परमेश्वर ने अपनी कौम नूं लैके गया, उत्थे गुलाम रखिया, और बाद विच परमेश्वर ने अपने दास मूसा नूं खड़ा करके फिरौन नूं साबित किया कि तू सृष्टि नूं नहीं चला रहा, मैं चला रहा। उन्हें फिरौन नूं और उहदी सेना नूं जद वह पिछे आ रहे सी, सारी दी सारी सेना जिहड़ी पानी च मार के उन्हें साबित किया कि मैं यहोवा परमेश्वर हाँ, मैं अपने लोगों नूं गुलामी तो कढ़ना जानदा वा, मैं अपने लोगों नूं आशीषित करना जानदा हाँ, मैं अपने लोगों नूं उच्चा करना जानदा। जद फिरौन दे जीवन में उन्हें देखा, उन्हें फिर मनिया कि दुनिया च इको एक परमेश्वर आ जिहदा नाम जिंदा यहोवा आ, उस तो अलावा कोई परमेश्वर नहीं। अज तुहाडे जीवन च समस्या इस करके आ कि तुहाडे जीवन च गवाहियां बन, जद गवाहियां बन गईआं तुसीं आले दुआले नूं दसोंगे, उह जानणगे कि इस धरती ते इको परमेश्वर आ जिहदा नाम यहोवा आ, उह तुहाडी वल्लों लड़ रिहा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। बहुत सारे काम परमेश्वर इस करके तुहाडी जिंदगी च करदा कि अपनी सामर्थ कि मैं की कर सकदा। इस करके घबराइयो ना किसी समस्या तो, घबराइयो ना किसी प्रॉब्लम तो, क्योंकि जिहड़ी प्रॉब्लम तुहाडे जीवन च आई आ परमेश्वर जानदा आ, उह सिंघासन ते आ। जे तुहाडी जेब च पैसा है नहीं तद भी यीशु मसीह सिंघासन ते आ, जे तुहाडे घर च कलेश आ तद भी यीशु मसीह सिंघासन ते आ, जे तुहाडे कोल जॉब है नहीं आ तद भी यीशु मसीह सिंघासन ते आ, जे तुहाडे घर होर कोई प्रॉब्लम आ तद भी यीशु मसीह सिंघासन ते आ। जदों तुसीं उहदी वल तकोगे
फिर तुसी शर्मिंदे नहीं होंगे, क्योंकि जिन्हें ने भी ओदी वल तकिया उन्होंने वह कभी शर्मिंदे नहीं होए, और जिन्हें तुहाडे विरोधी आ उन्हां दे मुँह काले किए जाएंगे। पवित्र बाइबल च लिखा और तुसी अपनी अगवाइयां दे नाल वापस आओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या अपनी अगवाइयां दे नाल वापस आओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। इसे करके परमेश्वर कहिंदा मत डर, इधर उधर मत ताक, मेरी ओर तक। मैं सृष्टि ते अधिकार रखदा। मैं जे इन्ने पंछियां नू रोटी दे सकदा तैनू भी दे सकदा। जे मैं इन्ने फुल्लां नू जेड़े थोड़े दिन लई है अज हैगे कल नू मुरझा जाने आ उन्हां नू मैं इन्ना वधिया पहना सकदा तैनू भी वधिया कपड़े पहना सकदा। मैं कहिंदा जे तुसी बुरे हो के अपने बच्चों अच्छिया चीज़ा जान देनिया जानते, मैं भी जानता हाँ कि तुसी मेरे बच्चे हो, मेरे मेरा वचन ते विश्वास रखो और मेरी ओर तको, मैं हर चीज़ ताड़ी जिंदगी विच स्वर्ग तो भेजूंगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। किन्ने जने नू गल समझ आ रही? जद समस्या आए, अटैक आए, खुशी मनाइयो, क्योंकि जिस चीज़ ते अटैक होया उही चीज़ ताड़ी वधन वाली। जे ताड़ी इज्जत ते अटैक होया ताड़ी इज्जत डबल होन जा रही है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं कहा जे तुहाडे पैसे ते अटैक होया तुहाडा पैसा डबल होन जा रहा है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं कहा तुहाडे जे घर ते अटैक होया तुहाडा घर डबल होन जा रहा है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं कहा तुहाडी जॉब ते अटैक होया तुहाडी जॉब डबल होन जा रही है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। जे तुहाडे बिजनेस ते अटैक होया तुहाडा बिजनेस वधन जा रहा है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। जे तुहाडे बच्चियां ते अटैक होया तुहाडे बच्चे फलवंत होन जा रहे हैं यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। आज तो बाद घबराओगे? उच्ची बोलो, घबराओगे? की करूंगे, की करूंगे, की करूंगे? दो तरीके आ। जेड़ा घट विश्वासी आ कमरा बंद के दुआ कर, दुआ करनी शुरू कर दो। जेड़ा वध विश्वासी आ डांस करन लग पियो यीशु मसीह दे गाने गा के। मैं कहा शैतान ताडे की ताडे महल्ले की ताडे पिंड चो ही जाएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। क्योंकि यकूब दी पत्री च लिखिया जद परीक्षा आए आनंदत होइयो। की करना? किद्दां होना? अपने फोन ते ला लियो यीशु मसीह दे गाने, यीशु मसीह दे गाने ला के फोन ते लाइयो, नचना शुरू कर दियो। स्वर्गदूत भी नचणगे ताडे नाल। तुहानू इक मैं भेद की गल दसदा, आत्मक गल। हर एक जिन्ने तौबा की बपतिस्मा लिया ताडे नाल स्वर्गदूत काम करदे। जे तुसी दुखी आ ताडे स्वर्गदूत भी दुखी आ, और फिर लड़ नहीं पाते शैतानी चीज़ां नाल। जे तुसी खुश आ ताडे स्वर्गदूत भी खुश आ। तो जे तुसी समस्या आ के लाले गाने यीशु मसीह दे नचना शुरू किया, स्वर्गदूत भी नचण लग पणे। स्वर्गदूतां ने फिर दे दुष्ट आत्मा ने मारने मुके ताडे घर चो जाणगियां यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच।